जय जय श्री राम।
रिफ्लेक्शन सही नहीं आ रहा पीछे से। अरे घर में मालिक कहाँ गया? आया भी नहीं। अरे इधर आ जा। अरे बंद कर। अरे इधर आ जा। हाँ बैठ बैठ। चुप कर। कथा सुन लो कर मालिक। बैठ बैठ। माता ने बैठ जाओ। कोई खड़े मत रहो। चुपचाप बैठो। हम कोई बात मत करो। अरे गोपिया। अरे बात मत करो। हरे कृष्ण कथा कथा सुन। हरे कृष्ण देखो आज आप लोगों को बहुत अच्छा दिन बहुत बढ़िया दिन और देखो ये सावन की महीना है अभी जितनी सब लड़कियां हैं ना जो ससुर घर में गई है वो सबके सब अपना पिया डाले बोले क्यों बोले चूल्हा जलने के लिए हाँ चूल्हा जलने के लिए जब से राधा रानी जावट पे रहती थी राधा रानी का भैया मैं ठीक है इसलिए श्री राधा रानी चावट पे रहती थी चावट पे रहती थी राधा रानी देखती थी कब मेरे भैया आएगा राधा जी के भैया का नाम जानते हो क्या है श्रीदाम भैया जब श्री कब श्री भैया आएगा और हमें अपना ससुर घर से लेकर के हम अपना बिहार के घर में ले जाएगा अभी राधा रानी बड़े आस लगा कर बैठी क्यों सब लड़कियां इसी समय में अपना पीहर आती हैं कभी कदम के पेड़ में कभी कमाल के पेड़ में कभी आम के पेड़ में झूला डाल करके झूला में झूलती है लेकिन ये तो ससुर घर में झूल नहीं सकती है वो अपना पीहर में झूल सकती है और राधा रानी का पीहर बरसाना है और कृष्ण छुप करके अपना नंदगांव से बरसाना है और राधा कृष्ण दोनों झूला में बैठ करके बड़े सुंदर झूला में झूलते हैं और जहाँ पर कोयल कुहू करती है ए बच्चे बच्चों जहाँ पर कोयल कुहू करती है जहाँ पर मयूर केका करती होगी और जहाँ पर रिमझिम रिमझिम जहाँ पर बारिश होती है इसलिए राधा रानी बैठ बैठ के झूला में इसी महीना में झूलती है इसलिए कि जो महीना है बड़ा सुहावना महीना है इसको पहले गर्मी गई ना कितना कष्ट हमको पता होगा लेकिन जब बारिश आ जाती है एकदम ठंडा हो जाता पेड़ में जान आ गया और सबकी हृदय में जान आ गया सबकी हृदय बरसात आ गई सबके सब ठंडा हो गया इसलिए ये महीना बड़ा उम्दा महीना है और इसी महीना में भगवान की झूलन हरियाल की है बलदेव पूर्णिमा राखी बंधन इसी महीना में ये सारी चीज इसी महीना में आती है और इसी महीना में हमारे घर का मालिक का नाम क्या है लक्ष्मण भैया लक्ष्मण भैया लक्ष्मण ने भैया अभी पानी पानी मत उसको मत चुपचाप बैठो कथा सुनो और सामने आ जाओ बोलो मत चुपचाप बैठो इसलिए यदि श्री लक्ष्मण भैया ने अपना घर में संतों को बुलाया आज हमारे घर में भगवान की कथा हुई भगवान की कीर्तन हुई इसलिए भागवत में बताए जिस घर में संत लोग पधारे जिस घर में ठाकुर का कीर्तन हो जिस घर में सत्संग हो वो घर नहीं वो घर भगवान का धाम वही घर बोलो वृंदावन बन जाता है और घर का जितने पाप है घर के जितने दुख कष्ट सबके सब घर से निकल जाते हैं इसलिए कहते ना मंगल भवना अमंगल हरी भगवान का जो नाम है वो मंगल करने वाले और घर का सारे अमंगल को दूर करने वाले इसलिए सब जो आज हम लोगों का बड़ा अच्छा दिन है जो कि थोड़ी समय हम सबके सब यहाँ बैठ करके भगवान की कीर्तन और सत्संग श्रवण करते हैं इसलिए शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं बोले पार्वती जगत में सब चीजें आसानी से मिल जाती धन दौलत पुत्र परिवार स्त्री यदि एक पापी को भी पास में भी ये चीज हुआ करता है लेकिन शंकर जी कहते पार्वती संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ लेकिन इसी जीवन में संतों का समागम और जो भगवान की जो कथाएं हैं ये बड़ा दुर्लभ है ये बड़े किस्मत वालों को ये चीज मिलती है इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती
अति हरि कृपा जा पर वही पाव दही असंगत बोले जीवन में सत्संग भगवान की कीर्तन किसको मिलता है बोले अति हरि कृपा जा पर वही जिसको पर में ठाकुर जी की विशेष कृपा हो बोले पाव दही असंगत कभी जीवन में सत्संग और भगवान की कथा कभी सुनने को मिलता है इसलिए कहते हैं ना बिनु सत्य संग विवेक नाम हुई राम कृपा बिनु सुलभ न ये बच्चे एक उधर करो जी काम करो यहाँ बच्चे एक उधर उधर यहाँ से इन्हें मत निकाल दो यहाँ से ये बच्चों को निकाल दो यहाँ से जो नीचे खेल हो जाके जो खेल हो जाके यार खड़े जाओ खड़े हो जाओ ये किसके बच्चे हैं ये बच्चे किसकी है अरे जाओ 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 ये इतने बच्चों को बाहर निकाल बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम देखो कहते क्यों ये जीवन में ये बच्चे किसके ये यहाँ पर बैठा है इसको बाहर निकाल दो ये जो बच्चा है ना बोलता है इसको बाहर निकाल दो इसको बाहर निकाल किसके बच्चे की उनको उठा दो यहाँ से जब ये होता है बात करो इसको भी उठा दे मैं जो बोलता हूँ उसको भी उठ रहे हैं अभी बच्चे बाहर एक ही लड़का ये सत्संग शंकर जी कहते पार्वती जिसको पर में भगवान की कोई विशेष कृपा हो तभी जीवन में ये सत्संग और जीवन में जब तक सत्संग नहीं मिलती है पार्वती तब तक जीव का कल्याण नहीं होता तब तक जीव का उद्धार नहीं होता अभी प्रश्न है क्यों ये सत्संग की इतने महिमा क्यों इसका क्या कारण है सत्संग की इतने महिमा एक छोटी सी स्टोरी सुनो मन लगा कर सुनो ये स्टोरी सुनाने के बाद मैं दो बार पूछूंगा मैं देखूंगा किसको याद अच्छे तरह से मिला बोले एक समय कोई एक राजा था कहते तो राजा के घर में कोई संतान नहीं राजा बड़ा दुखी घर में कोई बच्चा नहीं भविष्य में राजा कौन बनेगा ये दुनिया को कौन संभालेगा अभी राजा को बड़े कष्ट से एक औलाद रहा लेकिन जब बच्चा छोटा था कुछ डाकू ने बच्चा को किडनैप करके ले गए उसको उठा कर ले गए पैसा लो राजा के दुख का कोई सीमा नहीं भगवान की कृपा से एक बच्चा हुआ तो महाराज से कुशल मंगल है ना बोले क्या कुशल मंगल है घर में संतान थी नहीं भगवान की कृपा से भी बच्चा हुआ तो अभी बचपन में डाकू ने उसको किडनैप कर उठा कर कहीं ले गए मेरे पता नहीं वो बच्चा जिंदा ना बना हुआ है अभी राजमार्ग को कौन संभालेगा लेकिन वो बड़े पहुंचे हुए संत थे बोले अभी मैं देखता हूँ वो बच्चा कहाँ पर वो संत ध्यान लगाए उसने ध्यान से सब कुछ देख लिया उसने ध्यान से सब कुछ उसने देख लिया बोले तेरे बेटा भी जिंदा बोले अभी जिंदा है बोले हाँ जिंदा भी और ठीक ठाक है बोले बताओ कहाँ पर मेरे को अभी अभी मैं बच्चे को ले जाता हूँ बोले महाराज बीच में भी गड़बड़ी की होगी बोले क्या गड़बड़ी होगी बोले जिन डाकू वाले तुम्हारे बच्चे को उठा करके ले गए थे उसी समय तुम्हारा बच्चा था छोटा उसको ज्ञान ही नहीं था अभी तो बड़ा हो गया लेकिन जो डाकू वाले उसको उठा करके ले गए थे ना वो कह रहे हैं अभी तेरे पिता माता है अभी जो असली उसका जो पिता माता उसको भूल गया भूल गए थे उसका जो नकली पिता माता को अभी पिता माता कहता है अगर उसको ले आओगे तो तेरे को मानेगा नहीं तुम उसकी पिता माता तो भूल ही गई बोले फिर क्या करना पड़ेगा बोले अगर आपका आदेश हो
मैं जाकर उसको मैं समझाता असली में उसकी पिता माता कौन है। अगर वो समझ जाएगा ना फिर आप उसको क्या करके ले जाओ। बोले बाबा आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं तो बड़ी दुखी हूँ, फिर आज बात को कौन संभालेगा भविष्य। बोले राजा कोई चिंता मत करो मैं अभी देखता हूँ। इतने में वो संत गए वो बच्चे को देखा। बोले इधर उसको पूछा तेरे पिता माता कौन है। मेरे तो भूल गया असल पिता माता, वो जो डॉक्टर लोग थे ना। बोले ये मेरे पिता माता। बोले तेरे घर कहाँ पर है। बोले एक छोटी सी झोपड़ी थी। बोले ये मेरे घर है। बोले देख बेटा एक बात सुन, ये तेरे पिता माता भी नहीं, ये तेरे घर भी नहीं। बोले क्या बोल रहे हो। बचपन से मैं यही देख रहा हूँ, बचपन से मैं यही देख रहा हूँ। बोले इसीलिए तो तेरे को बोलता हूँ, देख बेटा इस देश का जो राजा है ना ये तेरे पिता माता है। राजा रानी तेरे पिता माता। तेरे घर पता है कहाँ, राज महल तेरे पिता घर है। रोज छापान न भोग और 36 व्यंजन चले और खाने वाले। अभी तेरे घर के में रोटी की टुकड़े भी जुट नहीं रहा है। एक दिन ये देश का तू राजा बनने वाले हो। बोले देख बेटा पिता माता का चेहरा में देखना बच्चे का चेहरा मिलता है, मिलता रहता है। हम कहते ना देखो ये माँ की चेहरा में बच्चे में आया है, कभी कभी पिता की चेहरा बच्चे में आता है, अब कभी पिता माता की चेहरा बच्चे में आता कि नहीं। हम बोलते हैं ना देखो दोनों का चेहरा मिला हुआ, उसका नाक देखो इसकी आंख देखो। बोले अभी तू जिसको तेरे पिता माता बोल रहे हो अभी उनको साथ में तुम्हारी चेहरा मिला करके देख। और जो देश का जो राजा और जो रानी है ना उसको साथ में तुम अपना चेहरा मिला करके देख। अभी तक तो उसने कभी सोचा ही नहीं इसी विषय पर। उसने सचमुच से जब राजा रानी को साथ में अपना चेहरा मिलाया ना, देखा उसको तो चेहरा राजा रानी से मिल रहा था, ये डाकुओं से उसका चेहरा ही नहीं मिल रहा है। बोले आप तो सही बता रहे हो, तब फिर मैं ये देश का एक दिन राजा बनने वाला। बोले हाँ एक दिन तू देश का राजा बनने वाले, राजा रानी तेरे पिता माता है, देश का राजा तू हो, राज महल में रहने वाले, रोज छापान में भोग और 36 व्यंजन के खाने वाले, तेरे नसीब में रोटी के टुकड़े भी नहीं टूट नहीं रहा। बोले घर में जाओगे। बोले घर में जाओगे, आप लोग भी जाओगे घर में। कौन घर में जाता हाथ रहा, कोई हाथ नहीं रहा। देखो अभी उसने जा करके उसको राजा को समझा। बोले राजा अभी तेरे बेटे को हमने समझा दिया, अभी वो समझ गया, वो अभी समझ गया। अगर उसको ले आओगे ना अभी वो मानेगा आप उसको पिता माता। बोले वो कहाँ रहता है। बोले अंबू जगह पर, ये गुंडे डाकुओं के बीच में घेरा हुआ, जाओ सैन्य सामंत लेकर उसको घेरा हुआ और जितने गुंडे को मार मार कर जेल में बंद करो और अपना बच्चे को वापस ले आओ। राजा जब बच्चे को वापस ले आए देखा राज महल उसका घर, हजार हजार दास दास नौकर उसको घर में काम कर रहे हैं, हैं? और रोज छापा में भोग 36 व्यंजन खाने वाले और पिता माता को राजा और रानी बस आनंद ही आनंद ही आनंद हो गया। देख रहे उसी तरह हम लोग और हमारे वेद कहता है, गीता कहता है, भागवत कहता है, तुम्हें वह माता च बोलो तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वह तुमैव बंधुस्य सखा त्वमेव तुमैव विद्यां द्रविण त्वमेव तुमैव सर्वं मम देव मम। हमारे असली पिता कौन, ठाकुर जी कहते अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं, भगवान के औलाद हैं। लेकिन हम सबका किडनैप हो गए थे, अभी हम सब किडनैप हो गए। हम जिसको अपना घर कह रहे हैं ना वो हमारे घर नहीं है, वो हमारे घर नहीं है। हम सब किडनैप होकर किधर आए, एक दिन सबको घर बाहर छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, ना घर में रहोगे। हमारे पिताजी सबके सब गए थे और वो परमात्मा अगर शरीर से अभी निकल जाए ना ये घर में तुम्हें एक घंटा भी ज्यादा रखने नहीं देंगे। बोले निकालो तेरे दिन तो कपड़ों तक रहेंगे रोएंगे, दो तीन दिन रोए तो फिर घूम जाएंगे और तेरे दिन बाद में तो बुरा के बुरा तुम लोग हो जाए, तेरे दिन बाद तो बुरा के बुरा में भूल जाएंगे, दो चार दिन रोएंगे उसके बाद भूल जाएंगे। इसलिए हम हमारी घर कहाँ है, हमारी घर ठाकुर जी की चरण है, बोलो तो वृंदावन हमारी घर है। लेकिन अभी किडनैप होकर संसार में आए
और ये झूठ मूठ का रिश्तेदार बना दिया, झूठ मूठ का परिवार बना दिए। तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी, मैं तेरी पति, मैं तेरी बेटा बेटी नाती पोती, मैं चक्कर में हम पड़े पड़े, इसी चक्कर में पड़ करके असली पिता माता को हमने भूल गए। अभी प्रश्न है भाई, हमें ये बात कौन बताएगा? इसलिए कहते ना, बिनु सत संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। ये साधु संत की महिमा क्यों बताए? शंकर जी क्यों पार्वती को कहते हैं पार्वती? अति हरि कृपा जा पर होई पाप तही असंग। जीवन में साधु संत कब मिलता है? जब भगवान की कृपा किसको पर हो जाए, किसको पर में? ठाकुर जी की डायरेक्ट कृपा हो जाएगा ना, बोले पाप दही संकट सोई पार्वती, तभी जीवन में सत्संग मिलता है। और जीवन में जब सत्संग मिल जाए ना, बस आनंद है। वो सत्संग ही हम बताएंगे, भैया तू कहाँ के रहने वाले हो? तुम साधारण घर के औलाद नहीं, तुम ठाकुर जी के बच्चे, बांके बिहारी के तुम बच्चे हो। बांके बिहारी के घर कहाँ पर? बोलो तो वृंदावन वैकुंठ में, जहाँ पर जन्म नहीं, जहाँ पर मृत्यु नहीं, जहाँ पर रोग नहीं, जहाँ शोक नहीं, जहाँ डर है, कोई बुरा नहीं बनेगा, कोई बुरी नहीं बनोगी, हैं? एकदम वहाँ कृष्ण की सखा से बन करके आनंद आनंद में कृष्ण के साथ में खेलते कूदते रहोगे, कृष्ण के साथ में आनंद लेते रहोगे, ठीक है ना? ये चीज का हमें कौन बताएगा? संत बताएगा। इसलिए बोले बिनु सत संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु संग। अभी प्रश्न है पर हम जाएंगे कैसे ठाकुर जी के पास में? हम कैसे जाएंगे? कभी जा सकते हैं अगर तुम्हारे पास में तीन चीज हो ना, जा सकते हो। कितना चीज हो? बोलो तीन। ये चीज को समझो, जैसे इसी जगत में अगर कोई विदेश जाना चाहता है, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, अगर कोई जाना चाहता है ना, उसको पास में तीन चीज होनी चाहिए। कितना चीज होनी चाहिए? बोले तीन चीज। क्या? पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर वीजा और तीसरा नंबर टिकट, पैसे। अगर तीन चीज हो जाए ना, फिर वो व्यक्ति ठाकुर के पास में चले जाओ। क्या तेरे से? बोले भैया वो तीन चीज क्या है जो कि हमारे पास में हो पर ठाकुर के पास में चले जाएंगे? पहला नंबर पासपोर्ट। बोले ये पासपोर्ट क्या है? बोले सभी के गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तुलसी की कंठी। सबसे पहले तुलसी कंठी हो, हां कंठी, ये पहला नंबर पासपोर्ट है। ये तुलसी कंठी कोई साधारण नहीं, हमने सुना जैन के गांव में खूब तुलसी कंठी बिकती है, बना बना कर बेचते हैं। कहां विदेश का लोग, लंदन फ्रांस का लोग, तुम लोग काट काट कर बेच रहे हो, वो लोग महीने महीने कर उधार हो रहे हो और तुम स्वयं नरक में पड़े हुए, खुद गले में तुलसी कंठी नहीं, बस सबको काट कर विदेश विदेशी लोग उसको पहन पहन करके उधार हो रहे हैं। इसलिए ये तुलसी कोई लकड़ी नहीं है। तुलसी आपको पता है ना कि वृंदा ही तुलसी देख रही, देखना नारायण के साथ में तुलसी की शादी होती है। तुलसी कौन? लक्ष्मी। तुलसी कौन है? लक्ष्मी है। तुलसी को पूजा करते हैं ना, पानी देते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, बोले तुलसी ये माँ लक्ष्मी। अगर गले में तुम्हारी तुलसी कंठी है ना, माँ लक्ष्मी की तुम्हारी कंठ में निवास हो गया। जब भगवान इस दुनिया से गए, अपने आप कहाँ छोड़ कर गए? तुलसी। हम कहते ना वृंदावन चलो, बोले वाक्य भी हरी, बोले क्यों? बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, बनना मतलब बन, जहाँ तुलसी का बन वहीं पर खा लो। कृष्ण और कोई नहीं है, ये तुलसी की वृक्ष है, वही वाक्य भी हरी। अगर गले में तुलसी कंठी तो वो क्या हो गया? स्वयं लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी और नारायण दोनों तुम्हारे गले में बैठ गए। और तुलसी में इतने मेडिसिन, इतने तुलसी में मेडिसिन दवा, पृथ्वी में और किसी चीज में इतने दवा नहीं। तुलसी में देखना इसकी काशी हो, बुखार हो, डॉक्टर लोग कहते ना तुलसी पत्ता उबाल करके, कहते ना चाय में बना करके पिया करो, हैं कहते ना तो उबाल करके पियो, उसमें बड़ी बड़ी मेडिसिन है। गले में कंठी स्नान करोगे ना, उसका पानी सारा शरीर में जाएगा। पुराण में बताया जो व्यक्ति गले में तुलसी कंठी पहन करके स्नान करता है, पृथ्वी का सारे तीर्थ में उसका स्नान होगा, पृथ्वी की सारे तीर्थ में स्नान करेगा, हैं? इसलिए गले में तुलसी कंठी होनी चाहिए।
इसलिए जब महाराज जब दूतों को कहते हैं, ये जब दूतों को कहते हैं, बोले देखो जो भजन नहीं करता है ना उसको पकड़ो, पकड़ के मेरे पास में ले आओ। बोले भैया पता कैसे चलेगा कौन भजन करता है कि नहीं करता है? बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के कुत्ते हैं? एक पालतू एक फालतू। देखना कि एक पालतू कुत्ता घूम रहा था, कहते पालतू कुत्ते का क्या लक्षण है? गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, गले में उसकी पट्टा बंधी हुई रहते हैं। देखने से पता चलता भैया किसी घर की कुत्ते, उसको कोई कुछ बोलेगा नहीं। और जब फालतू कुत्ते बिन्ने पट्टे के जो रोड रोड घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। अगर गले में तुलसी कट्टी नहीं सब हम फालतू कुत्ते हैं, रोड में घूमने वाले कुत्ते हैं। अगर गले में तुलसी कट्टी है ना हम भगवान की पालतू, किसके पालतू हैं? इसलिए पता पालतू बनोगे ना फालतू बनोगे। ये जब स्वयं कहते हैं भागवत पढ़ करके देख लो, बोले जिसकी गले में तुलसी कट्टी खबरदार उसको लाना नहीं, समझ लेना वो बांके बिहारी का आदमी है, भगवान की वो भक्त है। अगर दूर से देखोगे ना जरूर उसको परिक्रमा करो, उसको प्रणाम करो, समझ जाओ ये ठाकुर जी के हैं, ये श्री ठाकुर जी के हैं, ठीक है ना? इसलिए गले में सबको तुलसी कट्टी रखनी चाहिए। कितने पालतू यहाँ, कितने फालतू, बहुत सारे सब करके फालतू दिख रहे हैं, एक दो फालतू दिख रहे हैं। इसलिए कोई फालतू नहीं बनना, नहीं तो जम महाराज पकड़ पकड़ ले जाएंगे, ठीक है? देखो दूसरी चीज है, एक तो हो गया ये पासपोर्ट तुम्हारी, दूसरी हो गई वीजा। बोले वीजा क्या है? बोले वीजा तिलक। वीजा क्या है? ये तिलक। ये तिलक की बड़ी महत्व है, तिलक की बड़ी महत्व है। तुम लोग तो हिंदू, आपको पता होगा जैसे कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, कोई अच्छे काम के लिए, हम क्या करते हैं? तिलक लगा कर भेजते, बेटा जा तेरे काम बन जा, तिलक लगा कर भेजते हैं कि नहीं है? इसलिए देखना ब्राह्मण घर में पूजा कराने आएगा ना, जब तक तिलक नहीं लगाएगा तब तक तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। क्यों? तिलक के बगैर पूजा निष्फल है, तिलक के बगैर पूजा निष्फल। जैसे तुम लोग कोई सधवा यहाँ पर बैठे हो, कुछ विधवा बैठे हो, पता कैसे चलता है कि मैं सधवा हूँ? सिंदूर लगाए नाम है ना, इससे पता चलता भैया सधवा। बोले भैया दुनिया का पति के लिए देखना तुमने श्रृंगार कर लिया, बिंदु लगा लिया और मांग में इतना सारे सिंदूर भर लिया और मंगलसूत्र चूड़ियां पहन ली, ये जगत का पति के लिए इतना पहन ली, लेकिन जो असली पति के लिए तुमने क्या पहन लिया? इसलिए कहते ना ऐसे वर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, वर बरी और गोपाल दूसो जो जुड़ल अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जो व्यक्ति तिलक लगाएगा ना बांके बिहारी के देखो तिलक लगा, भगवान राम को देखो तिलक लगा, भगवान नारायण को देखो तिलक, हनुमान जी को देखो तिलक, गणेश जी को देखो तिलक, कोई भी ठाकुर को देखोगे ना बगल तिलक के बगल भगवान भी नहीं रहते। और ये जो तिलक है ना ये गोपियों की चरण धूलि है, ये गोपियों की ये चरण धूलि पवित्र वस्तु है, इसलिए तिलक की बड़ी महत्व है। पुराण में बताया जो व्यक्ति तिलक लगा कर ही भगवान को ढकते हैं, जो तिलक लगाए उसको केवल दर्शन कर लो, बोले बांके बिहारी दर्शन कर का फल मिल जाएगा। शास्त्र कहता है कृष्ण दर्शन करने का जो फल है वही फल मिलेगा जब किसको तिलक लगाए हुए देखो, ठीक है ना? सबके सब देखो देखो तिलक लगा लो, ये कहाँ तुम लोग तो गाँव में रहते हो, देखो ये सब शहर में रहते हैं, ये सब तिलक लगा देता है, देखो लड़के लड़के तिलक लगा दिया, देखा तो इतना तिलक लगा दिया, उसको नीचे देखो जैसे ठाकुर के चरण में तुलसी दल देते हैं ना, उसका नीचे का भाग देखो तुलसी, ठीक है? कोई बात नहीं, सवेर तो लगा दिया, सवेर लगा इधर सुना बात कर ले, इधर सुना तिलक तिलक की महिमा सुना, ध्यान से कितना तिलक की महत्व है, ये गोपियों की चरण धूलि है। यही ब्रज रज को नारद जी लेकर के द्वारका गए थे, भगवान कृष्ण को वहां पर स्नान कराया गया, वहां पर गोपी तालाब, वहां से ये तिलक आती है, ये मिट्टी पृथ्वी पे कहीं नहीं मिलती है, केवल द्वारका में ही ये तिलक मिलती है और कहीं ये तिलक में मिलेगी नहीं। देखो ये तिलक की कितने महिमा पुरानी कथा से, यदि भगवान की मंदिर है तो अगर कोई व्यक्ति एक भगवान की मंदिर को स्थापन करते, ठाकुर जी की सेवा पूजा की व्यवस्था करते,
बोले उसको कितना पुण्य मिलेगा, बोले उसको आगे की 21 पीढ़ी और पीछे की जो 21 पीढ़ी, ये सबके सब दोनों वैकुंठ में चले जाएंगे। आगे की 21 पीढ़ी और 21 पीढ़ी, 21 कितना हो गई, 21 कितना हो गई, 42। कहते उसको 42 पीढ़ी वैकुंठ जाएगा, बोलो तो वृंदावन जाएगा। अगर एक हरि मंदिर को स्थापन कर दिया, लेकिन ये जो हरि मंदिर हम 12 जगह पर तिलक लगाते हैं, यहाँ 12 जगह पर, मतलब दिन में हम 12 भगवान के मंदिर को स्थापन करते हैं। समझो कितने तुम्हारे पूर्वजों के कल्याण है, कितने पूर्वजों के तुम्हारे उद्धार हुआ। एक तो कंठी, दूसरे तिलक, और जो तीसरा है ना टिकट। तीसरा क्या है? टिकट। टिकट क्या है? हरिनाम। टिकट हरिनाम, टिकट श्री हरिनाम। इसलिए देखना, आप जीवन में जो कुछ करना करो, जो कुछ करना जीवन में कर लो, लेकिन जब शरीर छूटता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, आप देखना क्या बोलते हैं, सुने हो क्या बोलते हैं? वो बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात छूटा। उसको क्या सुनाते हैं? बोले बेटा, जीवन में जितने राम का नाम, जीवन में जितने गोपाल का नाम क्या अपने तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तो जीवन में जो कुछ तुमने किए सब झूठे में जीवन बिताएगा। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, उसका आगे पत्नी नहीं जाएगी। परिवार वाले जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे, उसका आगे कोई नहीं जाएगा हमारे साथ। इसलिए मीरा कहती है, पायो ही नहीं राम रतन धर पायो। इसलिए मीरा की भजन है, बोले पायो ही नहीं राम रतन धर पायो। बोले जीवन में तुम्हें मिला क्या जीवन में? बोले राम रतन धन पायो, जितने राम का नाम हमने लिया, कृष्ण का नाम लिया, वही जा रहे हैं जग में सब ही खुआयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने प्रभु का नाम धन लुट लगे ना। इसलिए मीरा कहती है, बोले चोर नहीं ले गए लूटे नहीं जावे, दिन दिन बढ़त सवाय, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये ऐसे ही धन है ना, जिसको चोर नहीं ले सकते हैं, लूटेगा नहीं, कूटेगा नहीं, जो धन केवल बैठती रहेगी, जो धन केवल बैठती रहेगी। और ये ऐसे का धन, अगर आप प्रभु का नाम जप करोगे ना, इसको पत्नी अगर करेगा पति नहीं ले सकता है, पति करेगा तो पत्नी नहीं ले सकते हैं, बच्चे करेगा तो पिता माता नहीं ले सकते, उसको कोई नहीं ले सकते। जो जब करेगा, जो लूटेगा, केवल उसको साथ में ये धन, वही केवल मालिक बनेगी, अंतिम समय में वही तुम्हें मिलेगी। इसलिए विराट कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। बोले जितने ये मोती लूटे सो माला माल हुए। बोले कौन कौन लूटे? बोले तुलसी मीरा और नरसिंह। देखो तुलसीदास जी, देखो जय जयकार हो रहा, मीरा का नाम देखो, नरसिंह भगत का नाम देखो, हनुमान जी का नाम देखो, दुनिया में जय जयकार हो रहा है, सारा दुनिया इनकी पूजा कर रहे। बोले क्यों? बोले इन लोगों ने जीवन में असली माल को लूटे। बोले हमारे नाम क्यों नहीं ले रहे? बोले तुम नकली माल को जिंदगी भर लूटे, नकली माल को लूटते लूटते खत्म, बस तेरी सब खत्म है, जीवन भी खत्म। इसलिए आगे हमारे कोई नाम नहीं देगा, तुम्हारे पिताजी का दुनिया को नाम देगा है, लेकिन देखो तुलसीदास हनुमान का नाम ले रहे हैं। ये तृतीय युग में कहां, तृतीय युग में आए, जानते हो तृतीय युग में कितना साल हो गया, कितने कितने लाख साल बीत गया, कितने लाख साल बीत गया, अभी भी हनुमान जी को घर घर में पूजा हो रही है। बोले क्यों पूजा हो रही है? हनुमान जी क्या करते हैं? बोले रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन सीता, रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन सीता। दिन भर हनुमान जी प्रभु का नाम जप करते, तभी तो दुनिया में पूजा हो रही है। शंकर जी पंचमों के राम नाम गान के पुजारी, शंकर भी पंचमों में प्रभु का नाम जपते। माता देवी पार्वती वो क्या करती है देखना, आप हाथ में एक माला देखो, माँ देवी के हाथ में भी माला है, ब्रह्मा जी के चार हाथ में देखो भी माला,
सरस्वती की चार हाथ में देखोगे, एक हाथ की माला देखोगे। ये जितने 33 करोड़ देवता सबके साथ बलराम नाम की माला जपेगा कोई दीवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दीवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दीवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई माला जपी थी गौरा माने, माला जपी थी गौरा
पास में विदेश जाने के लिए कितना चीज की जरूरत है? क्या क्या बोला? कौन बोलेगा? बोलो कौन कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। वीजा, वीजा क्या? वीजा क्या है? और पासपोर्ट क्या है? और टिकट क्या है? भगवान की ठाकुर जी की माला और ठीक है ना, ये तीन चीज हमारे वृंदावन में। कौन कौन वृंदावन में गए? आप अब अंग्रेज मंदिर में कौन कौन गए? वहाँ अंग्रेज मंदिर वृंदावन गए, वहाँ देखना हम तो भारत में ले देखना, वो अंग्रेज जी होकर के गले में कट्ठी, ये तिलक है, चोटी है, माला है, हम तो हिंदू है, हमारी मेन ग्रंथ गीता है, इसको कोई गीता का कोई स्रोत पूछो, इसको याद है, कौन हीरो का नाम क्या पूछो, कौन हीरोइन का नाम क्या है, सब भी याद है, जितने गंदी गंदी चीज को सब याद करते हैं, लेकिन जो काम का चीज है ना, हमें कोई चीज बता ना, जो काम का चीज हमें पता नहीं, इसलिए काम का चीज याद करो, बिना काम का चीज को छोड़ो, ठीक है ना, इसलिए भगवान का नाम लो, भक्ति करो, हरे कृष्ण, और ये काम करना, हरे कृष्ण, ये माता जी बोले इधर घूम कर बैठे, आओगे बाद में और कब के घर में लग जाओगे, देख इधर सुना, ये तीन चीज पे करना और एक काम करना, जो कुछ खाना ठाकुर को भोग लगता है, जो कुछ खाओ ठाकुर को, आप बताओ कौन कौन ठाकुर को भोग लगा देगा? हाथ उठाओ, सर उठाओ, करते हैं हाथ उठाओ, कौन ठाकुर को भोग लगा देगा? ये बताओ प्याज लहसुन कौन कौन खाते हैं? कौन कौन प्याज लहसुन खाते हैं? कोई नहीं खाते हो? आप देखो इधर, उसका ध्यान देखो,